आज फिर से आज रिकॉर्ड था मजेदार वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं थोर लव एंड थंडर की स्टोरी की, जो कि हमें मूवी के ट्रेलर और टीवी स्पॉट से पता चली है और थोड़ी बहुत लीक्स और थियरीज को मिलाकर बनाई है, मतलब कि अंदाजा लगाया है। और हाँ गाइस, हो सकता है कि आप ये वीडियो मूवी रिलीज होने के बाद देख रहे हो, तो यार कमेंट में बताइएगा कि मेरा प्रेडिक्शन कितना सही निकला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाएगा कि थोर और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम मिलकर स्पेस में लोगों की मदद कर रहे हैं, मतलब एलियंस की मदद कर रहे हैं। और इसी बीच अपना फैमिली पैक वाला थोर ट्रेनिंग करके बन जाता है सिक्स पैक वाला थोर, जिसके बाद वो एक प्लेनेट पर चला जाएगा मेडिटेशन के लिए, जो की सीन हमने ट्रेलर में भी देखा था। और इतने में ही वहाँ होने लगेगी जंग। फिर वहाँ जाते हैं गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम और ये लोग फिर से थोर के साथ मिलकर उस जंग में शामिल हो जाते हैं। और यहाँ पर एक बार और हमें थोर अपने रेवेंजर वाले लुक में दिखेगा। चलकर जंग खत्म होने के बाद वहाँ के लोग थोर को बताएंगे कि जब से यहाँ के गॉड को किसी ने मार दिया है, तब से लुटेरे यहाँ ऐसे ही खून खराबा करते रहते हैं। लेकिन अपना थोर इनकी इस बात पर यकीन नहीं करेगा, लेकिन उन लुटेरों से निपटने के लिए इनकी मदद जरूर करेगा। जिसके बाद वो थोर को तोहफे में देंगे दो बकरे, जिन्हें हमने ट्रेलर में भी देखा था, जिनका नाम होता है टूट मैशर एंड टूट ग्राइंडर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और इन सब के बाद थोर और अपनी बाकी टीम फिर से स्पेस एडवेंचर पर निकल जाएगी। और जैसे अपने स्पेसशिप में जा रहे होंगे, तभी उनको अपने स्पेसशिप की स्क्रीन पर दिखेंगे लाल डॉट्स, जिनका मतलब होता है कि कुछ लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं उन्हें। जिसके बाद उन लोगों को बचाने के लिए थोर एंड गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम अलग अलग जाएंगे, जिसमें गौर के साथ जाएगा अपना गोर्ग, जिसमें थोर जाएगा अपने फ्रेंड के एक प्लेनेट पे और वहाँ उसे जाकर पता चलेगा कि उसका जो फ्रेंड है वो तो मर चुका है या फिर उसको भी किसी ने मार दिया है। अब ये वो सीन है जो हमने ट्रेलर में यहाँ देखा था। फिर ये सब देखने के बाद वो लोग वापस आ जाएंगे अर्थ पर, जहाँ उनका सामना होगा शेडो मॉन्स्टर से, जिन्हें हमने ट्रेलर में यहाँ देखा था। और यहाँ इसी लड़ाई में एक ऐसा सीन होगा जिसमें थोर जो है वो अपने म्यूनर को सेंस कर पाएगा। इसके बाद वो म्यूनर को बुलाने की कोशिश करेगा, लेकिन म्यूनर उसे चिढ़ाकर वापस चला जाएगा। और यहाँ उसे पहली बार दिखेगी जेन फॉस्टर, जिसके पास म्यूनर होगा। और यहीं पे हमें दिखेगा थोर का न्यू वाला सूट, गोल्ड एंड ब्लू वाला। फिर जेन एंड थोर साथ मिलकर उन मॉन्स्टर से लड़ेंगे, लेकिन तभी वहाँ आ जाएगा गॉड द गॉड बुचर, जिसे जेन एंड थोर मिलकर काफी अच्छी टक्कर देंगे। जिसके बाद गॉड द गॉड बुचर कुछ वक्त के लिए वहाँ से चला जाएगा, जिसके बाद थोर सोचेगा कि ये बंदा है कौन और ऐसे यहाँ पर तबाही क्यों मचा रहा है। जिसके बाद थोर, जेन, वेलकरी एंड अपना कोर्ग ये सब जाएंगे ओलंपस पर, लेकिन पता नहीं वहाँ ऐसा क्या होगा कि थोर को ज्यूस जो है वो बंदी बना लेगा। और उसके बाद क्या होगा वो तो हमने ट्रेलर में देख ही लिया है, बताने की जरूरत है नहीं। के बाद कोर्ग, जैन एंड किंग वेलकरी उसकी मदद के लिए आगे आएंगे और ज्यूस के सारे सिपाहियों को मार उसका लाइटनिंग बोल्ट लेकर वहां से निकल जाएंगे। जिसके बाद थोर एंड माइटी थोर जाएगी ओल्ड नोज लाइब्रेरी पर, मतलब कि ये वाली जगह जो हमने ट्रेलर में देखी थी, ये स्टैचू वाली। और यहाँ उन्हें दिखेगा गॉड द गॉड बुचर, जिसके बाद इन तीनों में बहुत बड़ी लड़ाई होगी, लेकिन इस बार गॉड द गॉड बुचर जीत जाएगा। इन दोनों में से किसी एक को अपने साथ लेकर चला जाएगा और काफी टाइम तक टॉर्चर करेगा। जिसके बाद यहाँ शेडो रैम में कोर्ग एंड किंग वेलकरी वापस आएंगे इनको बचाने के लिए, जिसमें थोर उन्हें बुरी तरीके से पिटता देख फिर से जोश में आएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसा थोर रैग्नारोक में आया था, उसको जो नई पावर्स मिली थी हेला से लड़ते वक्त, बिल्कुल वैसा ही कुछ होगा। अगर यहाँ हो सकता है कि उसे एक और नई पावर मिल जाए या फिर म्योनर उसके पास वापस आ जाए, जिसके बाद थोर एंड बाकी टीम मिलकर गॉड द गॉड बुचर को हरा दे और यहाँ हो जाएगी अपनी मूवी एंड। और फिर इसके बाद हमें दो पोस्ट क्रेडिट सीन दिखेंगे, जिसके बारे में हमने पहले ही वीडियो बना दी और एक तो शायद लीक भी हो गया जिसमें हरक्यूलिस दिखने वाला था। तो यार बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड कर, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कोई नहीं जाएगा, इतनी मेहनत करी है मैंने।